इसी तरह सारे हम डाल लेंगे, इसे हम पलट देंगे। तो हमने सर्व कर दिया है हमारा, अब हम लोग जा रहे हैं खाने, आप सब भी खा लीजिए। हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं चने दाल की सब्जी। हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करिए और सब्सक्राइब का बटन बेल आइकन भी दाब दीजिए। चलो बनाते हैं हम। कढ़ाई को रख दे रहे हैं, तब तक गर्म होगी कढ़ाई और इसमें तब तक डाल ले रहे हैं तेल। हमने रख दिया कढ़ाई, हमारी गर्म हो चुकी है। अब इसमें हम डाल देंगे तेल को हम गर्म होने देंगे तब तक। अब तब तक हम इसमें डाल ले रहे हैं, थोड़ा सा इसमें डालेंगे हम लाल मिर्च, थोड़ी सी डालेंगे हल्दी, थोड़ी सी डालेंगे हल्दी, इसके बाद में थोड़ा सा स्वाद के लिए गरम मसाला, चम्मच नहीं है दोस्तों, भूल गए हैं, थोड़ा सा इसमें में डाल लेंगे स्वाद अनुसार नमक। चलो अब इसे हम मिला इसे ऐसे मिक्स कर लेंगे, मिला लेंगे अच्छे से, इसे मिला लेंगे। हमारा तेल गर्म हो चुका है, अब हम ऐसे करके इसमें छोटे छोटे करके ऐसे डाल देंगे, गर्म तेल में ऐसे ही फ्राई करेंगे हम इसे, इसी तरह सारे हम डाल लेंगे, इसे हम पलट देंगे ऐसे। अब इसे ऐसे ही हम ऐसे होने देंगे, इसे हम तल लेंगे, इसके चाय वगैरह नाश्ते के रूप में भी खा सकते हैं, तल के निकाल सकते हैं, उसके बाद सब्जी में भी डालकर हम बना सकते हैं। अब इसे होने देंगे, ये हमारा हो गया है ब्राउन कलर का, अब इसे हम ऐसे ही निकाल लेंगे। इन्हें भी ऐसे ही कर इसी तरह हम सारा निकाल लेंगे। तेल हमारा गर्म हो चुका है, अब इसमें हम प्याज डाल देंगे। प्याज डालने के बाद में इसे ऐसे चला देंगे। जब तक प्याज हमारा हो रहा है तब तक हम इसमें मसाले ऐड कर लेंगे। ये है प्याज, लहसुन और हरा मिर्च। अब इसमें मसाले डालेंगे हम, इसमें डाल लेंगे धनिया एक चम्मच के लगभग, और इसमें डालेंगे गरम मसाला एक चम्मच, और इसमें डालेंगे लाल मिर्च, इसके बाद डाल देंगे इसमें हल्दी डाल देंगे, हमारा प्याज देखो लाल हो रहा है। हम जो हमने दाल बचाई हुई थी उसको हम पानी से घोल लेंगे, इसका घोल बना लेंगे। हमारा लाल हो गया है, अभी इसमें मसाला डाल देंगे, मसाले को अच्छी तरह से भून लेंगे, मसाले को हम पकने देंगे इसी तरह 5 मिनट तक भूनेंगे।
मसाला हमारा भून चुका है, अब इसमें जो हमने दाल बोली हुई थी उसे हम डाल देंगे। इसी तरह दाल को भी इसमें डाल देंगे। उसके बाद इसमें हम पानी ऐड करेंगे क्योंकि ये अभी गाढ़ा है, ऐड कर देंगे ठीक है, क्योंकि ये अभी पकने के बाद में और गाढ़ी होगी। अब हम इसमें नमक डालेंगे, हम 1 चम्मच नमक डालेंगे। अब इसे हम उबलने के लिए छोड़ देंगे, 10 मिनट बाद फिर से देखेंगे। इसमें 1 उबाल मारने के बाद में उसके बाद में जो हमने तला था ये रुकी, इसे हम डाल देंगे। उसमें उबाल आ गया है, अब हम इसमें इन सबको डाल देंगे और थोड़ा सा पकने के लिए छोड़ देंगे। ये हमारा सब्जी बनकर तैयार हो गया, देखो कितनी अच्छी लग रही है, हमें तो बहुत अच्छी लग रही है। आप लोग भी बनाकर ट्राई कीजिएगा, बना बहुत ही टेस्टी लगती है। और प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हमारी ये रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर जो पसंद आया तो ये रेसिपी तो हमारे चैनल को लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। अब हम इसे सर्व कर लेते हैं, थाली में इसे सर्व कर दे रहे हैं, इसके बाद में हम लोग खाएंगे। तो हमने सर्व कर दिया है हमारा, अब हम लोग जा रहे हैं खाने, आप सब भी खा लीजिए। देखो हम लोग हमने खाना निकाल दिया है, हम खाने जा रहे हैं। दोस्तों आप भी खा लीजिए, करो खाने के बाद में बताइए कैसी लगी हमारी रेसिपी, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और बनाकर एक बार ज़रूर देखिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय।